पता है साले वो जो गुरु नहीं पहला हमने कल परसों जब पहला था नाइट में साला हैकर बोल रहा हमको साले वो लोग मारे तो ब्लिट्स वो लोग मारे तो हाय मैं हूँ स्काई आप देख रहे हो स्काई 360। सो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग गेमिंग न्यूज़ लेके हाजिर हो गया हूँ। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो आज का फर्स्ट न्यूज निकल के आ रहा है हिंद गेमिंग की तरफ से। सो हिंद गेमिंग को एक्सपोज करते हुए बगचोद बाबा जी ने अपने चैनल पे एक वीडियो बनाया जिसका टाइटल आप लोग देख सकते हो हिंद गेमिंग हैकिंग एक्सपोज। तो फिर इसके रिलेटेड हिंद गेमिंग ने अपने लाइव स्ट्रीम पे रिएक्ट किया है। सो मैं आप लोग को वो स्ट्रीमिंग दिखाता हूँ। लेट्स रोल इट। आईडी मेरी बहन भाई इसलिए हुई हर गेम में मेरे को कम से कम 3 स्क्वाड ऐसे मिलते हैं जो मेरे को जानते हैं अच्छे से। तो मीटअप की वजह से मेरी आईडी बैन हुई थी समझा। मेन सोर्स दिखा है क्या टीम अप के लिए? हाँ और क्या टीम अप लिखा उस पे इसके लिए स्क्रीनशॉट दिखा दे उसको साले को पता चले। छोड़ ना हमें क्या दिखाना है स्क्रीनशॉट भाई पिछवाड़े में दम नहीं तो साले हैकर बोलेगा मारने का। वही प्रूफ दे ना तूने कौन सी वीडियो में देख लिया हमें हैक करते हुए या किसी और ने देखा हो तेरे स्क्वाड ने साले अपनी गांड मारा के आराम से चले जा रहे हैं तभी इन्हें अचानक पता चलता है सामने चार लोग इनकी गांड लेने को तैयार बैठे हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि इनको एग्जैक्ट कैसे पता कि बंदा यहाँ ऊपर बैठा हुआ बिल्कुल एम बंदे के टांट के जरा से ऊपर किया है। अगर इसको देखना ही था तो लेफ्ट में ऊपर भी देख सकता था ट्रक के साइड में भी देख सकता था लेकिन एम वहीं किया जहां ट्रक के बीच में बंदे हैं और ऊपर वहां बंदे हैं। चलो ठीक है इस क्लिप को तुम लोग इतना नहीं इंपॉर्टेंस दोगे लेकिन ये क्लिप सबसे ज्यादा मेन है। लेकिन मैं तुम्हें और भी क्लिप्स दिखाता हूं जरा आगे बढ़ते हैं। अरे रुक जा भाई बंदा अभी रिज के पीछे आया नहीं है वो तुझे सिर्फ और सिर्फ हैक के वजह से दिख रहा है। नहीं भाई लोग तुम लोग सोचते होगे ना कि रिज क्रॉस किया नहीं और गोली पड़नी शुरू हो जाती है भाई वो सारे के सारे हैकर लोग होते हैं वो सारे ESP यूज कर रहे होते हैं जो तुम्हें और हमें ऐसे मार देते हैं। देखो इसकी ये क्लिप देखने के बाद साफ पता चल रहा है कि ये बंदा ESP यूज कर रहा है लेकिन फिर भी मैं तुम्हें और एक क्लिप दिखाता हूं जरा इसको देखो। तो भाई लोग इस नूबड़े ने आते ही बंदे को स्पॉट भी नहीं किया और आते ही फायर शुरू कर दिया। चलो मान लेते हैं भाई फ्री फायर कर रहा है लेकिन ये तो मानोगे ना नॉर्मल बंदा टीपी भी कैसे लेता है एक कॉर्नर पे खड़े होके दीवार से अपने माउस से एंगल चेंज करता है लेकिन ये टीपी भी कैसे लेता जरा देखो। ये ले सकता है क्योंकि भाई इसके पास है कहीं तो दीवार क्या गाड़ी क्या घास क्या पेड़ क्या सबके आर पार देख लेगा लेकिन उसके बावजूद बंदा इसको पता है कहाँ है उसके बावजूद ये बंदा मर गया भाई मतलब हैक लगाने के बाद भी मतलब कितना बड़ा नूबड़ा है ये। सो स्कैन आप लोगों ने देख ले। ऑल्सो अगर आप लोग पूरा वीडियो देखना चाहते तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहां पर जाकर आप लोग चेकआउट कर लेना। बात कर लेते हैं अगली न्यूज के बारे में। तो अगला न्यूज निकल के आ रहा है रूट स्नाइपर की तरफ से। रूट स्नाइपर ने अपने कम्युनिटी टैब पे पोस्ट करते हुए बताया द गेमर नवाब ने जो उनपे स्ट्राइक डाली थी वो हट चुकी है और साथ ही साथ बोले जिन्होंने भी उनको सपोर्ट किया उसके लिए शुक्रिया और द गेमर नवाब को हेट कमेंट करने के लिए मना किया है बिकॉज उनसे उनकी बात हो चुकी है। सो इसके रिलेटेड द गेमर नवाब ने भी अपने कम्युनिटी टैब पे पोस्ट करते हुए बताया उन्होंने दोनों के चैनल से कॉपीराइट स्ट्राइक हटा दिए कुरू और रूट स्नाइपर के। ऑल्सो डायनमो के रिलेटेड भी जो भी वो एक्सपोज वीडियो बनाए थे वो वीडियो भी डिलीट कर चुके हैं वो बिकॉज वो नहीं चाहते कि उनके वजह से कोई भी सफर करे। और लास्ट में उन्होंने कहा है कि वो यूट्यूब से कुछ दिनों के लिए ब्रेक लेना चाहते हैं एंड ये कोई एंड नहीं है वो नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो फिर बढ़ते अगली न्यूज की तरफ। तो अगला न्यूज निकल के आ रहा है मॉर्टल की तरफ से। सो मॉर्टल को किसी ने पूछा है उनके लाइव स्ट्रीम में वो PMIC का लाइनअप क्या होने वाला है तो फिर इसका रिप्लाई देते हुए मॉर्टल ने क्या कहा अपने लाइव स्ट्रीम में मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। लेट्स रोल इट। PMIC का लाइनअप क्या है? PMIC का लाइनअप इज मुझे लाइक करके जरूर बताना एंड वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों में एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड साइड में जो बेल आइकन है वो भी प्यार से बजाना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्काई आउट।